जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर फिर से होंगे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से कल जी रात हो गई थी और हमारा टैडी पट्ठा नहीं बैठ सका था, कल मौसम ख़राब की वजह से दोस्तों आगे पीछे कबूतर काफ़ी हो गए थे और 6 कबूतरों की बैड लक हुई थी, उनमें से दोस्तों एक टैडी पट्ठा माशाल्लाह से हमारा आ गया वापस और आप तो आया साथ में एक और ले के आया, ठीक है, और ऊपर बैठा हुआ है इसके साथ एक और कबूतर। कल दोस्तों रात हो गई थी और 2-3 कबूतर ना ऊपर जाल के ऊपर बैठे रहे थे और एक वो देखें और आ गया बारह कोई एक और किसी का आया हुआ है। तो दोस्तों वो जो रात हो गई थी और कबूतर जाल के ऊपर फिर बैठे रहे थे 2-3, मैंने फिर उनको अंदर नहीं किया था क्योंकि बिल्ली शिल्ली का चक्कर खत्म है ना, अब ये जो लगा दिया ना इससे बिल्ली शिल्ली का काम खत्म हो गया, तो इस वजह से जी फिर जो ऊपर जाल के बैठा रहता कबूतर वो ऊपर ही बैठा रहता, उसको मैं फिर अंदर नहीं करता। तो बाकी जी टैडी पट्ठा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया वापस, आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। और दूसरा जो आके वारा को बैठा हुआ है वो वाइट सा कबूतर है, वो पता नहीं कौन सा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये जी माशाल्लाह से वो हमारा टैडी पट्ठा है, ये देखें जो कि रात रुके है, पहले पर बांधा हुआ ही रात कर जाया करता था, बाकी कल मैंने इसी वजह से खोला था, मौसम ख़राब था और मुझे ये था कि यार कहीं कबूतर जो है ना हवा के आगे ना लग जाए, इसी वजह डर की वजह से इसके कार पर मैंने जी खोल दिए थे और आपके सामने है जी ये इसका रिजल्ट, ठीक है रात रह गया फिर भी जी सुबह आया माशाल्लाह से। और इस कबूतर की बात कर रहा था, ये वाइट वाला जो बैठा हुआ है ये पता नहीं कोई मादी है या कोई बच्चा है, ऊपर से मुझे लग रहा है पर भी कटे हुए हैं इसके, नहीं पर नहीं कटे हुए वैसे लग रहा है मुझे। तो बहरहाल दोस्तों ये कबूतर थे दो, एक ये बैठा हुआ है एक इस साइड में बैठा है एक वो पीछे बैठा, 2-3 कबूतर कल जो है ना मेरे फिर बाहर रह गए थे जाल के ऊपर ही बैठे रहे थे क्योंकि छेड़े छुड़े करवाता रहा था मैं शाम तक कबूतरों को ताकि यार बैठ जाए। तो ऊपर एक और कबूतर आसमान में मेरा निकला था कल, वो पता नहीं कौन से वाला था, तो खैर वो भी कोई नहीं जी बैठ सका था, तो देखते हैं आज ही क्या बनता क्या नहीं बनता। मौसम यार इसी तरह का मौसम बना हुआ है, मौसम की वजह से ना बहुत दोस्तों नुकसान हो रहे हैं, मौसम हर बंदे के कोई ना कोई 5-7-10 इस तरह जो है ना वो नहीं बैठ रहे, हर रोज़ हालांकि इतने अच्छे कबूतर लगे हुए कबूतर जो है वो नहीं बैठ रहे मौसम की वजह से, तो इसी वजह से आज भी मैंने नहीं निकाले बाहर, आज वेदर में काफ़ी ख़राब मौसम जो है ना वो बताया हुआ था। एक वो देखे कबूतर पीछे घूम रहा है जी, वो देखे वो मैं बोल रहा था किसी का और का जो है ना वो निकला हुआ है वो पीछे होके गया है। इसी तरह से कबूतर भटक रहे हैं जी सभी के, जिस तरह हमारे सारी बात अभी 5 हमारे रहते हैं तो वो नहीं बैठ सके जी, उनकी बैड लक हुई है। तो बहरहाल दोस्तों ऊपर मैं जाता हूँ इसको देखते हैं साथ में वो बारह पकड़ते हैं कि ये कौन से वाला है, साथ में अक्सर शेयर करता हूँ। ले दोस्तों कैमरा सेट हो गया जी, अब मैं इसको अवारा को भी पकड़ता हूँ साथ में अपनी टैडी कबूतर को अंदर करता हूँ। दोस्तों वारा तो पकड़ा गया है, बाकी दूसरे वाला मैं उतारता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों वो तो नहीं उतर रहा जी नीचे, टैडी पट्ठा जो है वो मर्जी का मालिक है, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो आ जाएगा, वो तंग बहुत कर रहा है पीछे जा फ्री पे चला जाता है। तो इसकी बात कर रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था कि ये जो है ना कटा हुआ है अंदर से, ये देखे मादी है और कटी हुई है अंदर से, बाकी यार इस तरह की आजकल आ रहे को हमें नहीं कुछ उस तरह की कुछ चीज़ आती जो एक नंबर हो जिसको देख के हम भी बोलने के यार वाह आज अच्छा शिकार पकड़ा है, हमें इस तरह हमारे इतने इतने अच्छे कबूतर भाग रहे हैं और हमें जो है वो इस तरह के मिल रहे हैं। ये देखिए अब ये पट्टी वाला है जी, ठीक है लो फ्लेयर, तो एक आंख इसकी आपके सामने है वाइट है हल्की लाल कर रहे हैं और दूसरी आंख जो है वो ब्लैक है ये देखें। बाकी जी ये मादी थी, खैर इसको अभी पीछे छोड़ देते हैं पकड़े हुए कबूतरों में, वो देखे जहाँ पे हमने वो दूसरा किया हुआ है पकड़े हुए कबूतरों के लिए और दूसरा ये एक बैठ रहा है वो देखे दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। उस टाइम का जी घूम रहा कबूतर ये देखे नज़र आ गया,
ये किसी का कबूतर जी भटक रहा है, ये देखें, ये किसी का कबूतर जी भटक रहा है सुबह सुबह। ये कल भी था मेरे ख्याल में आया हुआ, इधर ना दरख्तों पे बैठ रहा था, ये वो वाला ही है, इधर दरख्तों पे कल बैठ रहा था। छोटे ने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी जब ये बैठ रहा था ना इधर आके, तो वो देखें कहाँ लैंड करने लगा, वो देखें जी नहीं बैठा, अभी भी नहीं बैठा। उधर भी दरख्त है, दरख्तों पे जाके ज़्यादातर ये जना गिरता है, इमारत पे नहीं पाँव लगाता, दरख्तों पे जाके बैठता है। वो देखें अच्छे किसी शिकारी का ये परिंदा निकला हुआ है, ये देखें वो बैठने लगा। तो बहरहाल दोस्तों ठीक है जी, ये जी आज का व्यू था, और बाकी देख रहे हैं अभी भी कि चलो यार हमारे ऊपर से निकल आए अगर परिंदे तो अच्छी बात है। ये देखें अभी भी नहीं बैठा है, ये देखें हाँ तो इधर क्यों रहा, ज़्यादा इधर ही पाव लगा जा, चलो कोई मारे हाथ भी कोई अच्छी चीज़ आ जाए। ये देखें वो फिर इधर को चला गया पीछे को जी, जाल के गिर्द घेरा भी नहीं लेता तो दरख्तों पे जा कर बैठता है। वो देखें फिर दोबारा से इधर को चला गया, नहीं नहीं अब आ रहा, अब आ रहा, ये कहाँ बैठने लगा, वो ठप्पे लगाने लग गया, ये देखें जी ठप्पे लगाने लग गया। वो देखें ये बैठ कहाँ कहाँ रहा है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। ये देखें अब ये कितनी नीचे इमारत पे जाके बैठना है, ये मेरे ख्याल में कि नीचे से कहीं किसी के सेटअप से निकला हुआ है। वो देखें वहाँ पे कबूतर किसी ने रखे हुए हैं, वो देखें वो छेड़े करवा रहे हैं, हाँ वहाँ पे ये किसी नीचे ऐसे सेटअप से निकला हुआ है जहाँ से ना मतलब नीचे हो सिस्टम। और हमारे भी कल आप देख रहे थे नीचे ही आके बैठ रहा था, बहरहाल बैठा कोई नहीं अभी भी, उनके उन्होंने तो दूसरे कबूतर रखे हुए हैं, लट्ठे लुट्ठे कासद कुसद इस तरह के यहाँ कबूतर उनके जोड़ रहे हैं। तो बहरहाल ठीक है दोस्तों आज का जी ये व्यू था, अभी हमारे 5 कबूतर मिस हैं जी कल की फिरत के, तो ठीक है जी देखते हैं अगर आ जाएं वो भी तो अच्छी बात है। बाकी ये टैडी तो हमें नज़र आ रहा था कल, इस वजह से मरा आ गया, वो देखे भी कोने पर बैठा हुआ है नीचे ही नहीं आ रहा। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।